हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के आटा और गेहूं के आटे का चीला। इसके लिए हमने लिया है ये 1 गिलास गेहूं का आटा। अब हम इसी गिलास से लेंगे 2 गिलास चावल का आटा। अब हम इसी ग्लास से ले रहे हैं दही। दही हमारी नॉर्मल है। हमने लिया है 1.5 गिलास से ज़्यादा दही। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, धनिया सब, अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। दोस्तों अब हम इसमें पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा। उसी गिलास से हमने पानी लिया है, 1.5 गिलास पानी पड़ चुका है। अभी और इसमें इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए और पानी डाल रहे हैं। दोस्तों इसमें 3 गिलास पानी पड़ चुका है, जिससे हमने आटा लिया था उसी गिलास से 3 गिलास पानी पड़ चुका है। अब मैं ये बैटर आपको दिखाती हूँ मिक्स करके। इसका घोल, चीले का घोल ऐसे तैयार है, ऐसा होना चाहिए जिससे कि चीला हमारा अच्छे से तवे पर फैल जाए। दोस्तों अभी इसको हम 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही, इसके बाद फिर चीला बनाएंगे। सो गाइस आवर हमारा बैटर तैयार है, अब हम चीला बना रहे हैं। देखिए आप लोग भी इसको हम ऑयल डाल दिए, इसको ऑयल ब्रश से ग्रीस कर देते हैं।
सर्दी में चटनी, हरी चटनी का मजा ही कुछ अलग रहता है। इसको ये रहा हमारा सिंपल सा चीला और हरी चटनी बनाते हैं।